अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कच्चे कीमे के दही कीमा कबाब की रेसिपी, जो एकदम सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे। अगर आपके कबाब फट जाते हैं या फिर हार्ड बनते हैं तो आप इस रेसिपी को फॉलो करके परफेक्ट कबाब बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए 500 ग्राम कीमा। देखिए, एकदम बारीक कीमा लेना है, हल्का सा फैट के साथ, यानी चिकनाई के साथ लिया है। कीमे में पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और अब इसमें ऐड करना है हमें, देखिए, 5 टेबल स्पून दही। हमने छन्नी में डालकर रख दिया था जिससे कि इसका सारा पानी निकल गया 1 से 2 घंटे के लिए, और इस तरह से हमें थिक दही मिल गया। तो ये ऐड कर दिया है। अब दही डालकर हमें बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। 2 से 3 मिनट बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से इसका टेक्सचर एकदम चेंज हो जाएगा। अब इसमें ऐड करना है, देखिए, 1 मुट्ठी हरे धनिया कट किया हुआ और 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कट किया हुआ। 6 हरी मिर्च ले ली हमने, ये कम तीखी वाली है तो हमने 6 से 7 ले ली। इसको बारीक बारीक सा चॉपर में डालकर चॉप कर लिया, और 6 से 7 लहसुन की कलियां बारीक कट की हुई, ये ऐड कर देंगे। और इन सभी चीजों को ऐड करने के बाद अब इसमें पाउडर मसाले जाएंगे, तो वो देख लेते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर ऐड करना है 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून साबुत जीरा और 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च या फिर चिली फ्लेक्स, 2 टीस्पून कुटा हुआ, इस तरह से मोटा कुटा हुआ धनिया लेना है, ये ऐड कर देंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मीठा सोडा यानी खाना सोडा ऐड करेंगे। खाना सोडा ऐड करना है, बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करना, खाना सोडा यानी मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करना है। अब इसमें ऐड करना है हमें 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा, जितना भी आप खाना पसंद करते हो। अब बाइंडिंग के लिए हमें इसमें डालना है आटा। तो देखिए, आप इसमें भुने चने का आटा डाल सकते हैं, बाजरे का आटा डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें मक्के का आटा डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया है। तो देखिए, हमने यहाँ पर 4 टेबलस्पून गेहूं का आटा लिया है। गेहूं का आटा डालेंगे और अच्छे से इसको हमें मिक्स करना है। 5 से 6 मिनट बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा। जैसे कि हम आटा गूंथते हैं वैसे ही हमने इसको खूब अच्छे से मिक्स करना है। अब इसको आप एकदम अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आप इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया था। अब इसका कबाब बनाएंगे। तो देखिए, बहुत अच्छा टेक्सचर आ चुका है कीमे का, आप देख सकते हैं इसकी बाइंडिंग खूब अच्छी आ गई है। आप इसे सीख कबाब भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जितने भी बड़े कबाब बनाने हैं उतना पोर्शन कीमे का ले लेना है। इस तरह से हमें इसका गोल सा शेप देना है और फिर इसको हमें फ्लैट कर देना है। तो ये देखिए, एकदम पतला रखेंगे, मोटा नहीं रखेंगे, क्योंकि सिकने के बाद श्रिंक होते हैं, सिकुड़ते हैं तो छोटे हो जाते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा पतला और बड़े साइज का रखेंगे, इस तरह से। आप जैसे साइज में बनाना चाहें, बड़ा छोटा, आप देख लीजिएगा। तो देखिए, कबाब हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने एक तवा रख लिया है, इसमें डालेंगे ऑयल। तो इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, आप चाहें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो ऑयल ऐड कर लिया है, 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लिया। ऑयल गर्म हो गया, उसके बाद यहाँ पर कबाब अरेंज कर देंगे। तो देखिए, जितने कबाब आएंगे उतने कबाब हम लगा देंगे तवे पर, और कबाबों को हमें यहाँ पर पहले ऑयल को हम गर्म कर लेंगे, उसके बाद कबाब अरेंज करेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम करेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही 2 से 3 मिनट हम एक साइड से सेकेंगे, उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर ही दूसरी साइड से भी हम अच्छे से कुक करेंगे। टोटल 6 से 7 मिनट लग जाएंगे कबाबों को यहाँ पर दोनों साइड से अच्छे से कुक करने में। ये देखिए, एकदम फूल जाएंगे इस तरह से, मतलब अंदर से भी बहुत अच्छे से ये पक रहे हैं। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमने इसको कुक किया है। अभी बनकर तैयार हो चुके हैं, तो हमने यहाँ पर प्लेट लगा ली थी। देखिए, सैलेड के साथ, चटनी के साथ यहाँ पर हम सर्व कर लेंगे। और देखिए, मैं यहाँ पर तोड़कर भी दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, एकदम जूसी, मॉइस्ट और सॉफ्ट कबाब बनकर तैयार हुए हैं, आप देख सकते हैं। बस इस पर थोड़ा सा लेमन जूस डालिए और इस ग्रीन चटनी के साथ, तो इसका कहना ही क्या। ग्रीन चटनी की रेसिपी और 3 चटनियों की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। जब भी आप ट्राई करते हैं ना, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी, और आज की मेरी ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी।